विद्यार्थियों, हमने पूर्व के वीडियो में आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का अध्ययन किया था। तो हमने देखा था कि किस प्रकार कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ था, जिसमें कि लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रिया वाली नीतियों के बारे में, लॉर्ड रिपन के समय में गिलबर्ट बिल के विवादों एवं इसके अलावा अन्य कई ऐसे कारण थे जिनका हमने अध्ययन किया था, जिससे कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। इसी राष्ट्रवाद की भावना के पनपने के साथ साथ पूरे भारत के अंदर कई ऐसे संगठन जो कि प्रेसिडेंसी नगरों के अंदर बने थे, जिनके माध्यम से भारतीयों ने भारतीयों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा था, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर बंग भाषा प्रकाशक सभा, जमींदारी एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, इसके अलावा बंबई प्रेसिडेंसी में बंबई एसोसिएशन, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा, इस तरह के संगठन बने थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर मद्रास नेटिव एसोसिएशन एवं मद्रास महाजन सभा, इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा कुछ और ऐसे संगठन थे जिनके माध्यम से भारतीयों ने भारतीय नेताओं के माध्यम से अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा था, जिसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एवं नेशनल इंडिया सोसाइटी आदि मुख्य थे। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार पूरे भारत के अंदर एक नए विचार का जन्म हो रहा था। सारे जो प्रादेशिक संगठन थे उनमें भी आपस में विचार बन रहा था कि किस प्रकार पूरे भारत का अंदर हम एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन बनाए और जिसके माध्यम से हम भारतीयों की मांगों को, भारतीयों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखें। हमने यह भी अध्ययन किया था कि बंगाल के जो इंडियन एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे, जिन्होंने कि 1883 के अंदर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उसके बाद 1885 में के दिसंबर के सप्ताह में पुनः एक नया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का विचार किया था। लेकिन इसी बीच हम ये देखते हैं कि जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लॉर्ड डफरिन, जो कि भारत में 1884 से 1888 ईस्वी के मध्य भारत में वायसराय के पद पर थे, उन्होंने एक अंग्रेज रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम के माध्यम से एक ऐसे संगठन को जन्म दिया था जिससे कि भारतीय जनता में जो पनपता आक्रोश था वो कई खतरनाक रूप ना ले ले, बल्कि भारतीयों के जो आक्रोश है उसको हम किस तरह से संतोष या उसको कैसे हम शांत कर सकें, यह लॉर्ड डफरिन का प्रयास था कि अपन क्यों ना एक ऐसा संगठन खड़ा करें जिसके माध्यम से अपन भारतीयों की समस्या को हल करें, साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करें। डब्ल्यू सी बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी ने इस विचार को लोकप्रिय बनाया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विचार है वो डफरिन की ऊपर था और इसी ने ह्यूम को इस संगठन को बनाने का कहा था। इसी प्रकार लाला लाजपत राय, उन्होंने भी 1916 में यंग इंडिया अखबार में लिखा था कि जो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है वह लॉर्ड डफरिन के द्वारा यह संगठन सिर्फ अंग्रेजी राज्य की रक्षा है तो सुरक्षा कपाट या सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाया गया था। कहीं ना कहीं यह भी एक कारण था कि पूरे भारत के अंदर एक नव जागरण था। सारे भारत के लोग ये चाहते थे कि एक ऐसा संगठन बने जिसके नेतृत्व में पूरा भारत एक होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी मांगों को मनवा सके, अपनी समस्याओं को बता सके, वो स्वतंत्रता की ओर हम कुछ आगे बढ़े। इसी सभी कारणों की वजह से भारत में हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसका जो मुख्य श्रेय जो दिया जाता है वो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को दिया जाता है, जो
जिसके प्रयासों की वजह से 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। यह जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस नाम का जो सुझाव था वो दादा भाई नौरोजी को दिया जाता है। अब यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका गठन हुआ था, इसका प्रत्येक दिसंबर के अंतिम सप्ताह में या क्रिसमस के सप्ताह में एक अधिवेशन होता था। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो दिसंबर 1885 में पूना के अंदर प्रस्तावित था, लेकिन पूना में फ्लेग फैल जाने के कारण यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो पूना के स्थान पर बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया और यह सम्मेलन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 के मध्य हुआ था। बच्चों, यह जो टॉपिक अपन अभी जिसका अध्ययन कर रहे हैं, यह प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए काफी इम्पोर्टेंट है, जो आपको सेकेंड ईयर की कक्षा के साथ साथ आगे आने वाले समय में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आप दोगे उसके लिए भी यह टॉपिक बड़ा उपयोगी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। इस अधिवेशन में भारत के अलग अलग स्थानों से आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इन 72 जो प्रतिनिधि थे ये अधिकतम इंग्लिश को जानकारी रखने वाले व्यक्ति थे तथा मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्गों में से यह प्रतिनिधि थे। और इन प्रतिनिधियों में से जो प्रमुख लोग थे वे थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, दीन शाह वाचा, पी आनंद चारलू, वी राघवाचारी व एस सुब्रमण्यम प्रमुख लोग थे। और इन प्रतिनिधियों में से अधिकतम जो लोग थे वो वकील, व्यापारी और जमींदार वर्ग के लोग थे। अब इस अधिवेशन के अंदर जो पहला अधिवेशन दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जो हुआ था उसके अंदर जो प्रमुख मांगे जो थी या जो प्रस्ताव पारित किए गए थे वो थे भारतीय प्रशासन की रॉयल कमीशन द्वारा जांच कराई जाए और इस कमीशन में भारतीय भी सदस्यों, मतलब जो भारत के अंदर जो ब्रिटिश प्रशासन है उसकी जांच रॉयल कमीशन के द्वारा हो, यह देखे यह कमीशन कि भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, भारतीयों की क्या समस्या है, भारतीयों की क्या मांगे हैं, भारतीय प्रशासन भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, इन सभी कारणों की या इन सभी कार्यों की जांच रॉयल कमीशन के द्वारा हो तथा यह रॉयल कमीशन के अंदर भारतीय सदस्य भी होना आवश्यक हो। दूसरी जो मांग थी वह थी भारत सचिव की इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए। जो ब्रिटेन के अंदर भारत सचिव की इंडिया काउंसिल थी उसको समाप्त किया जाए क्योंकि उसका भी पूरा खर्च भारत ही उठा रहा था। फिर था केंद्रीय व प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिलों में भारतीय निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। जो प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद थी उसके अंदर जो निर्वाचित भारतीय सदस्यों की जो संख्या थी उसमें बढ़ोतरी की जाए ताकि इन विधानसभा और विधान परिषद जो थे उनमें अधिक से अधिक भारतीय निर्वाचित होकर के आए। फिर एक और अन्य मांग जो थी वह थी ब्रिटिश सरकार का जो सैनिक खर्च था जो कि पूर्णतः भारतीयों के ऊपर ये खर्च लादा जाता था, इस सैनिक खर्चे में कमी की जाए। अन्य एक और मांग थी भारत और ब्रिटेन में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन एक साथ किया जाए। इसके अलावा एक और प्रस्ताव पारित किया गया था कि उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरे अवसर दिए जाए। तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें कुछ ऐसी मांगे उठाई गई, कुछ ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए जिनके माध्यम से भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा था।